कल्याण नायक गणपते और जय गजराज गणेश। जय त्रिशूल धर त्रिपुर हरि प्रगुणातीत महेश। जय गुरुवर जय इष्टवर जय सीतापति हृदेश। अब जय जय भारत भारती जय जय भारत देश। तो भक्त भजन भावे तुम्हें और हे देवन के देव लाज रखो सुई वीर की कैलाश पति मान। आदरणीय श्रोता बंधु, MPI स्टूडियो के माध्यम से ये नवीन प्रोग्राम जो हम लेकर के चल रहे हैं कि किस तरीका से सूर्यदेव की पुत्री तप्ती का विवाह हस्तिनापुर के बसने वाले महाराज हस्ती के साथ में हुआ, गौर करते हैं। ये नवीन इतिहास जो महाभारत से लिया गया है, ऐसा हुआ एक बार देवराज इंद्र की अप्सरा जिसका नाम था घृताची, वो स्वर्ग से भूतल पर जब घूमने के लिए आई और घूमते घूमते एक उपवन में पहुंच जाती है जहां पर बहुत सुंदर सरोवर था। सरोवर को देखने के बाद उसकी जल क्रीड़ा की इच्छा हुई, सरोवर में उसने स्नान किया और उसी समय भगवान भास्कर ने जब अपनी आंखें सीधी की हैं तो नज़र पहुंचती है घृताची अप्सरा के ऊपर, जिसके यौवन को देख करके सूर्यदेव मोहित हो जाते हैं और वहीं पर प्रकट हो गए। जब उस अप्सरा को देखा, देखते ही रह गए वो लड़की। अरे लड़की क्या थी, लिखा है कवि ने बहुत सुंदर थी। और उस अप्सरा को देखने के बाद महाराज जब मोहित हो गए सूर्यदेव, नजर से नजर मिली तो ये तो जानते ही हो सुखबीर भैया। कन्नैनन की गांसी बुरी जजात कले जो चीर। गांसी बुरी जजात कले जो चीर। अरे खान पान भावे नहीं दुर्बल होत शरीर। आज सूर्यदेव ने जिस समय अप्सरा को देखा है मोहित तो हो गए, तो अप्सरा के संयोग से सूर्यदेव के अंश के द्वारा उसके साथ में जब उन्होंने विषय भोग किया तो सुनो सभा के भ्रात अप्सरा के साथ हमें कुमत कमाई। और रह गई थी अप्सरा गर्भ उसे तब बिटिया एक जियाई। संयोग से उस अप्सरा के गर्भ से एक बहुत सुंदर लड़की ने जन्म लिया, बहुत सुंदर लड़की ने जन्म लिया। लेकिन हुआ क्या, पाइकर दम आश्रम छोड़ गई थी मुख मोड़, दया नहीं लाई दया नहीं लाई। और सूर्य देव गए छोड़ सुनो चित लाई, सूर्य देव गए चले सुनो चित लाई। उस अप्सरा के गर्भ से एक बहुत सुंदर लड़की ने जन्म लिया, लेकिन सूर्यदेव भी अपने धाम पर चले जाते हैं और उस अप्सरा ने गुड्डू भैया उस कन्या को करदम ऋषि के आश्रम में छोड़ा और वो भी स्वर्ग धाम में चली गई देवराज इंद्र के यहाँ। लेकिन जब
करदम ऋषि ने उस कन्या को देखा जो देखने में बहुत सुंदर थी, तो क्या हुआ? अरे करदम ऋषि ने यादर से हाय पाल लई सुकुमारी, क्या बात है। अरे करदम ऋषि ने यादर से हाय पाल लई सुकुमारी, सुनियो सब सरदारी। उस कन्या को सूरदेव ने छोड़ दिया, उस अप्सरा ने लेकर के जब करदम ऋषि के आश्रम पे छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने अपनी कन्या समझ करके पालना शुरू कर दिया। ऐसा ही नहीं हरेंद्र बाबू, वो लड़की देखने में इतनी सुंदर थी, अरे गोला जहरा दो बिटिया को जुलपे रही तिलपेटा घाई, जकी बात करत पे खुले बती सी बिजली से चमक चमक रह जाए। और ए पतली कंबर भी गोरी की पर गोरे हाथ भमीरी गाल, और पतली कमर लजपति बाया देखन लगत परिया उनहार, वो देखने में बहुत सुंदर थी। करदम ऋषि ने अपनी पुत्री समझ करके उसे पालना शुरू कर दिया। आइए देखते हैं, इधर ब्रह्मा जी के अत्रि मुनि हुए, अत्रि मुनि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरोरवा, पुरोरवा के आयु, आयु के नहुस, नहुस के याति, याति के पुरु, और पुरु के महाराज। लगभग 13वीं पीढ़ी में महाराज दुष्यंत पैदा हुए, और दुष्यंत महाराज के बाद में 4थी पीढ़ी पर जाकर के हस्तिनापुर के बीच में एक राजा हुए हैं जिनका नाम था बृहतछत्र। कैसे थे वो राजा? बहुत सुंदर थे, जो अपनी प्रजा को पुत्र के समान चाहते थे। उनके राज्य में शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते थे, जिनके आंगन में एक स्त्री इनके साथ में निवास करती थी, और सर्व सुख है उनके आंगन में। जाकी खुशी रहता महारानी रे सुई बीर सुनाई रहे बानी रे, जाकी महाराज व्रत छत्र के आंगन में उनकी रानी बड़े प्रेम के साथ में रह रही है, सर्व सुख है आंगन में, केवल आंगन में संतान नहीं थी। प्रभु से कामना करते थे, हे प्रभु एक पुत्र हमें दे दे या पुत्री हमें दे दे, जिससे ये निसंतान का नाम खत्म हो जाए। लेकिन परमात्मा ने धीरे धीरे, वो समय बीतता चला गया, और एक दिन ऐसा आया प्रभु ने उनके मन की मुराद वो पूरी कर दी। कैसे? रानी के गर्भ से, ए रानी के गर्भ से महलन में एक पैदा भो ओतारी, राजा के आंगन में रानी ने एक बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। हैं? सुनी खबरियां सतबादी ने खुशी भयो दिल भारी,
महाराज व्रत छत्र के आंगन में एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसे देख करके राजा और रानी बहुत खुश हुए। सोचने लगे, भगवान ने हमारे दिल की मुराद पूरी कर दी। महलों में यूं ही समय बीतता रहा और समय वो आ गया कि व्रत छत्र महाराज के ऊपर बुढ़ापा आ गया और धीरे धीरे वो बालक जो था वो जवान हो गया। तो एक दिन उनकी पत्नी ने देखा तो अपने पति से कहने लगी है, महाराज एक बात कहें तुमसे, कहो क्या कहना चाहती हो। रानी ने कहा, महाराज हमारा कहना तो ये है, आप देख रहे हो हमारे घर में जो पुत्र है वो जवान हो चुका है, तो और कहना ये है महाराज तुम्हारे ऊपर वृद्धावस्था है और वृद्धावस्था में शासन नहीं बल्कि भजन करना अच्छा होता है, अगर आप हमारा कहा मानो तो अपने पुत्र को राज्य दे दो, हम और तुम जंगल में प्रभु का भजन करने के लिए चलेंगे। और रानी कहने लगी, पिया ए राजा पे बुढ़ापो देख रे के बोल उठी महारानी, रही है महारानी महाराज का, रानी कहने लगी समझाए और बेटा देव राज के हम तुम बन की असीद लगाए, और क्या बोली, सैया हम तुम करिए भजन ही अन दो दिन को मेला है, प्यारो हम तुम करिए भजन ही अन दो दिन को मेला है। रानी समझाती हुई कहने लगी, महाराज अगर आप हमारा कहा माने तो आपका पुत्र जवान हो चुका है, उसे यहां की गद्दी दे दें और हम और आप चल करके प्रभु का भजन करें। जब रानी की बात सुनी तो राजा ने मन में एक बात सोची है, बात तो ठीक कह रही है हमारी रानी, बुढ़ापे में शासन करना नहीं बल्कि प्रभु का भजन ही करना चाहिए, और जीवन की अंतिम श्वासें हैं, अंतिम श्वासों में प्रभु का नाम ले लिया जाए वो ही अच्छा है। तो आज रानी के कहने के अनुसार महाराज ने देर नहीं की, अपने सिर से मुकुट को उतार करके अपने पुत्र के माथे पर बांध दिया और कहा, आज के बाद यहाँ के राजा तुम हो, बड़े ध्यान से रखना हमारे शासन को संभाल करके, और हम प्रभु का भजन करने के लिए जा रहे हैं। आज राज्य को सौंप करके महाराज चले जाते हैं। आगे देखते हैं, जब वहां के राजा महाराज हस्ती बन गए, अब तो राजा बन गए, और राजाओं का स्वभाव कुछ अलग होता है सुखवीर भैया। आज राजा बनने के बाद काफी समय व्यतीत हो गया, एक दिन महाराज हस्ती ने सोचा कि आज ऐसी इच्छा है कि हम जंगल में शिकार खेलने के लिए जाएं। मंत्री को बुलाया और कहा, फौज सजा दो। फौज सजवाई, फौज सजवाने के बाद देर नहीं की, आज वो राजकुमार घोड़ा पर सवार होकर के चला है शिकार खेलने के लिए। किस तरीका से, कृपाचंद चाचा जी, अरे चलो है बलधारी और करके घोड़ा की नया सवारी, चलो है जब
चले हैं जंगल में शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं। जब जंगल में पहुंच गए क्या देखा है, अरे जब राजा ने निगाह पसारी, जब राजा ने ए हाय, जब राजा ने निगाह पसारी, और ए सनमुख हिरण लयो निहारी, नजर लंबी डारी करके घोड़ा गिरे सवारी, चलो है शिकार खेल रहे हैं। लेकिन वो हिरन क्या था, पूरा मामा मारीच बन गया बड़े भैया। अरे तक तक तीर ललान चलायो, अरे तक तक तीर ललान चलायो, तक तक पर ताके अंग घाव नहीं आयो, लगाई ताकत सारी, लगाई ताकत सारी करके घोड़ा गिरे या सवारी, चलो है बलधारी करके घोड़ा गिरे या सवारी। आज महाराज हस्ती शिकार खेल रहे हैं जंगल में, लेकिन बाण को मारते हैं लेकिन हिरण का वध नहीं कर सके। गुड्डू भैया, आज हिरण का पीछा करते करते महाराज जब जंगल में पहुंच जाते हैं, अब होना क्या था, जब शिकार नहीं कर पाए, ऐसा ही नहीं लोगों, अरे तक तक मारा तीर रे पर हिरण हाथ नहीं आयो, घोड़ा को दौड़ा रहे हैं हिरन के पीछे, लेकिन हुआ क्या, अरे घंटा हुई गए तीन रे, अरे घंटा हुई गए तीन रे, बलहीन भूप हो आयो, जब शिकार खेलते खेलते हिरन का वध नहीं कर सके, फिर हुआ क्या, बिना पानी के राजा व्याकुल होने लगे, बहुत दशा हो गई राजा की, जैसे जल बिन तड़पे मीन भूप या जते सही व्याकुल है, जैसे जल बिन तड़पे मीन भूप या जते सही व्याकुल है। घोड़ा को लेकर के आगे बढ़े, बहुत समय व्यतीत हो गया जंगल में, तो महाराज को प्यास लगी, और जब प्यास लगी, अब जंगल में पानी कहां दरा है, जंगल है, और जब नहीं पानी है तो पानी की तलाश करते हुए आगे बढ़े। जब पानी नहीं मिला तो महाराज हस्ती ने आसमान की तरफ नजरें उठाई, और कुछ पक्षी उड़ते हुए दिखाई पड़े, तो आज मन में विचार किया है जहां पर ये पक्षी उड़ रहे हैं वहां पर कोई तालाब या सरोवर जरूर होगा, आज वहां की सीध लगा ली है, और इधर महाराज जा रहे हैं सीध लगा करके सरोवर की। लेकिन हुआ क्या, महाराज हस्ती ने घोड़ा को वहीं बांध दिया, और स्वयं पानी पीने के लिए जब आगे बढ़े हैं
और जब देखा है नजर बढ़ा करके तो क्या देखा सामने से, क्या देखा राजा ने कलश लिए। सुखबीर, देखा राजा ने कलश लिए और एक लड़की पड़ी दिखाई है। देख रहे हैं महाराज हस्ती, देखा राजा ने कलश लिए भरे, कर में है कलस और नीर भरे, आगे रही कदम बढ़ाई है। महाराज हस्ती देख रहे हैं दूर से खड़े हुए, वो लड़की आ रही है। अरे वो लड़की लड़की ही क्या थी, काले थे केस और आज खुले, जो बाल उसके थे घुंघराले थे, गालों पे इस तरीका से लिपटे हुए थे जैसे काली नागिन लिपट रही हो, हैं? गोरे थे काले और केस खुले, मानो नागिन सी चलती थी। अरे देखा उसके ही और वो बढ़ती थी। आज महाराज हस्ती ने जब नजर बढ़ाई है, बहुत सुंदर कन्या हाथ में कलश लिए है, वस्त्रों को पकड़े है, महाराज हस्ती की तरफ आ रही है। और जब महाराज ने देखा, देखते ही रह गए, वो लड़की, अरे लड़की क्या थी, अरे बातों फूल न गिर फूलवारी है शोभा है। महाराज हस्ती ने देखते ही रह गए, हाथ से धनुष बाण छूट करके गिर पड़ा, यही नहीं पता चला हम कहां खड़े हैं। उधर से वो लड़की बढ़ती चली आ रही थी, जब सामने पहुंची है, आज एक दूसरे को देख करके खड़े हो गए। लड़की ने महाराज को देखा, वो भी टकटकी लगा गई, देखने में महाराज हस्ती भी सुंदर थे। आज वो कन्या उन्हें देख करके मोहित हो गई और महाराज हस्ती उस कन्या को देख करके मोहित हो गई। प्रेम भैया, अब हृदय में प्रेम तो दोनों के है, एक दूसरे से बात तो करना दोनों चाहते हैं, लेकिन बोले कौन। और प्रेम वो बीमारी है, हमारी समझ में तो ये आया बात, क्या प्रेम में फिर कुछ होता ही नहीं है, वो दशा हो जाती है प्रेमियों की। अरे मुख से कड़े ना बोल और रात को बिलख बिलख रोबे, रे रात को बिलख बिलख रोबे, दिल आंसू न दरिया बहने न में नीर नहीं होवे। रात में नींद, अरे
तेरे नींद कहाँ है फिर तो? रोते तो हैं लेकिन आंखों से नहीं दिल से रोते हैं। हो जाती है प्रेमियों की। आज महाराज हस्ती देख करके खड़े हो गए। लड़की ने पूछा, क्यों देख रहे हो? कौन हो? कहां रहते हो? मैं तुमसे बात कर रही हूं, कहां रहते हो? हां। एकदम से महाराज कहने लगे, ये बात हम तुमसे भी पूछ सकते हैं, देख तो तुम भी रही हो, एक बात पूछे तुमसे। क्या? तो लड़की से प्रश्न कर दिया महाराज ने। क्या? तो बोले राजा, कहिए बेटी, और तुम किनकी राज दुलारी हो? पूछने लगे हैं महाराज हस्ती, सुंदर हो गुड्डू भैया, देखन में तुम अति सुंदर हो, और चंद्र बदना उजियारी हो। राजा ने प्रश्न कर दिया, क्या नाम है तुम्हारा? देखने में बहुत सुंदर हो, कहां रहती हो? लड़की कहने लगी, क्या मतलब है तुम्हें हमसे? कहीं भी रहती हूँ, हैं? कुछ भी नाम हो मेरा। राजा बोले, नहीं बताइए आप कहाँ से रहती हो, कहाँ से आई हो? जंगल में अकेली घूम रही हो, कहाँ रहती हो? तो जब लड़की ने कहा, सुनिए महाराज, अगर आप पूछ रहे हो तो मैं बता रही हूँ। आज वो लड़की समझाती हुई कहने लगी है महाराज हस्ती से। तो लड़की बोली, सुनिए राजन, और मैं सविता की राज दुलारी हूँ। दयो कर दम की प्राण न प्यारी हूँ।
राजा को समझाया, मैं सूर्यदेव की पुत्री हूँ, मेरी माँ का नाम है घृताची अप्सरा, जो देवराज इंद्र के यहाँ पर नृत्य करती हैं। राजा कहने लगे, तुम सूर्यदेव की पुत्री हो? हाँ। लेकिन जंगल में, समझाती हुई कहने लगी, जंगल में मैं कर्दम ऋषि के आश्रम में रहती हूँ, उन्होंने हमारा पालन पोषण किया है, तो एक रिश्ता से वो भी हमारे पिता हुए हैं। तुम अब बताओ यहाँ क्या करने आए हो, कहाँ रहते हो, क्या नाम है तुम्हारा? तो सारी बात बताई राजा ने और कहा कि मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए आया था, लेकिन माफ़ करना, मुझे प्यास लगी है, सरोवर की तलाश करते हुए हम यहाँ तक आ पहुँचे हैं, क्या आप हमें पानी पिला सकती हो? लड़की कहने लगी, पानी पिलाने की कौन सी बड़ी बात है, जरूर पिलाएंगे। तो आज लड़की ने जो कलश लिए थी, महाराज हस्ती को पानी पिलाने लगी, लेकिन पानी कौन पिए? सुखबीर भैया। जैसे ही वो लड़की पानी पिलाने के लिए तैयार हुई, तो एकदम से महाराज हस्ती ने हाथ पकड़ लिया और एक बात कही है। लड़की कहने लगी, तुम तो पानी पी रहे थे, पानी पियो, क्या बात पूछनी है, कहिए। तो एकदम से महाराज कहने लगे, सुनिए, कि हे कांतमयी, अब तेरे बिन और जीवन में कांत नहीं होगी। राजा ने हाथ पकड़ लिया और कहा, आप समझदार हैं, मेरे कहने का मतलब है अब पानी से गुजर नहीं होगी। लड़की कहने लगी, तुम कहना क्या चाहते हो, वो बात कहो। तो लड़का ने, उस राजकुमार ने साफ साफ शब्दों में कहा, अरे मेरे संग कर ले वो शादी, जब लड़की ने पूछा तो महाराज ने खुले शब्दों में कहा, अरे मेरे संग कर ले वो शादी, अरे बन जा वो मेरी सहजादी। आज महाराज हस्ती कहने लगे, अरे हाथ पकड़ के आया जब पिटिया को, तब राजा ने कही सुनाए। क्या हुआ गुड्डू भैया, कैसे मनही नए दैया, कैसे मनही नए दैया, गुड्डू भैया ढोलक लासी न ए दैया, कैसे मनही न ए दैया, कैसे मनही न ए दैया। आज महाराज हस्ती ने कहा, हम तुम्हारे साथ में शादी करना चाहते हैं। और जब इतने वचन सुने, चाचा जी, अरे गई नीचे आना जरा झुकाई थी, मियाँ आवाज सुनाई है गई, और वो लड़की कहने लगी, बबुला से पूछ ले जाई है तेरे संगम।
लड़की ने जब ऐसे वचन सुने तो शर्मा के कहने लगी, अगर आप हमारे साथ में शादी करना चाहते हो, इस तरीका से नहीं, आप जा करके हमारे पिताजी से बात करिए, अगर करदम ऋषि कह देते हैं तो हम तुम्हारे साथ में शादी अवश्य कर लेंगे। राजा कहने लगा, कहाँ पूछत फिरेंगे हैं, खोकट में, कहा कि यहाँ से ही हम तुम्हें लेकर के चल रहे हैं। लड़की कहने लगी, बिल्कुल नहीं, मैं बिना अपने माता पिता के मर्जी से यहाँ से नहीं जाऊंगी, अगर तुम हमारे साथ में शादी करना चाहते हो ना तो करदम ऋषि आज्ञा दे दे मैं, करदम ऋषि आज्ञा दे दे मैं, तो तेरे संग में कर सगाई है। अगर तुम हमारे साथ में शादी करना चाहते हो, जाकर के हमारे पिताजी से बात करें आप, अगर वो कह देते हैं तो हम तुम्हारे साथ में शादी अवश्य करेंगे। और लड़की बोली, चलियो संग लिवाई है, लड़की ने साफ मना कर दिया, अगर हमारे साथ में शादी करना चाहते हो तो हमारे पिताजी से पूछ लीजिए, जाइए। राजा कहने लगा, मुझे कहां पता जंगल में तुम कहां रहती हो कहां नहीं, चलो हमारे साथ में। उसी समय घोड़ा को वहां से घोला है और करदम ऋषि के आश्रम की सीध लगा ली। जब उधर से आता हुआ देखा है तो ये तो आप जानते ही हो, आज करदम ऋषि ने जब दोनों को देखा है दूर से तो समझ गए अपने मन में, और समझने वाली बात तो आप समझते हो, क्योंकि ये वो आग है जो रुकती नहीं। मानव के कर्म कुकर्मों का गुड्डू भैया, और आखिर कब तक गुमान हो, और सुई वीर ये बड़ा या संभव है लग जाए आग पर धुआन हो। लड़की को जब आता हुआ देखा लड़के के साथ में, करदम ऋषि दिमाग में समझ गए, मुझे कुछ चक्कर लग रहा है, मानुष के कर्म कुकर्मों का आखिर कब तक दिन गुमान हो, बड़े भैया सुई वीर ये बहुत असंभव है लग जाए आग पर धुआं हो। सुखबीर भैया मैं समर के बैठ जाऊं, सूरज छिप जाए मेघ पाकर चंद्रमा यमा बसयाने से, पर प्रेमी अन्य नहीं ऐसे हैं छिप सकते नहीं छिपाने से। हुआ देखा है तो आज समझ गए, आगे बढ़े, कन्या तो चली गई, महाराज हस्ती खड़े रह गए। करदम ऋषि ने सवाल कर दिया, कहां रहते हो, कहां से आए हो, दोनों हाथ जोड़े, महाराज हां एक बात कहनी है। क्या? करदम ऋषि से कहने लगे हैं, मैं हस्तिनापुर का वासी हूं, मेरे पिताजी का नाम है व्रतछत्र,
और मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए आया था, तो भूख लगी है, प्यासे हो, हमारे आश्रम पर कैसे आना हुआ? तो एकदम से कहने लगे, सुनिए महाराज, अरे हाथ जोड़ के सतबादिया ने रिस को गिरा सुनाई, दोनों हाथ जोड़ करके राजा कहने लगा है, अरे अपनी कन्या साथ मेरे और दी जो अनाथ विवाही, बहनारी ओरी गुइयारी आजा रसीलो घर में आए गो है, जस मुरली तोले वो बजवाए, ओरी हम जोली आजा रसीलो घर में आए गो है, जस मुरली तोले वो बजवाए, ओरी हम जोली आजा रसीलो घर में बेड़े। राजा ने कहा, महाराज हम आपकी पुत्री के साथ में विवाह करना चाहते हैं। जब ऐसे वचन सुने तो राजा कहने लगे, आपकी क्या राय है? कर्दम ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, मुझे बहुत खुशी है जो हमारी पुत्री ने एक होनहार युवक को पसंद किया है, कोई बात नहीं, और शादी विवाह प्रेम जब दिल से दिल मिल जाते हैं तो उन्हें कोई जुदा नहीं कर सकता। अगर तुम दोनों की राजी है, अगर तुम एक दूसरे को दिल से पति मान चुके हो, पत पत्नी मान चुके हो, तो प्रभु की बनाई हुई इस जोड़ी में मैं क्यों दखलंदाजी दूं? तो हंसी खुशी के साथ में कर्दम ऋषि ने आज अपनी पुत्री तप्ती का विवाह महाराज हस्ती के साथ में कर दिया। अरे हंसी खुशी के साथ में करी सगाई, बैठे गुड्डू ए चिमटा पे बैठे चाचा, भैया मन से डरे झनकार, हाय घड़ा पे बैठो तीरन, चाचा जी विपत्तियां आवेगी, विपत्तियां आवेगी, फिर कछु दिन न कोई आवे मुसीबत आवेगी, चाहे फिर कछु दिन न कोई आवे, इस तरीका से कर्दम ऋषि की पुत्री तप्ती के साथ में हस्ती महाराज की शादी होती है और ढोलक पर हमारे साथ में संगति कर रहे हैं सुखवीर ग्राम पकड़िया से, घड़ा पर बैठे हैं रूपनगर से गुड्डू मस्ताना जी, और चिमटा पर हमारा साथ दे रहे हैं हमारे चाचा कृपाचंद साक जी, स्टूडियो पर मौजूद हैं हमारे बड़े भाई संतोष श्रीवास्तव। देखते हैं ये छोटा सा प्रोग्राम जो हम आपके सामने लाए हैं। अरे महाराज हस्ती की गाथा रे जल्दी में सुनाई दई गाय के,
सिले बाई।